सो गाइस नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आपको जो लुक मेरा क्रिएटिविटी थोड़ी लग रही है आपको पता ही होगा मैंने क्यों करा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं हमारे और गरबा भी यार खेलना तो बहुत ज़्यादा मस्त हो जाता है। हालांकि मैं गुजराती नहीं हूँ लेकिन यार फेस्टिवल मनाने के लिए कोई होना जरूरी थोड़ा ना कि हम गुजराती है तभी मनाएंगे। ये मेकअप लुक आप भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी वीजी स्टेप से। कुछ ज़्यादा आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा काम है, नहीं जी बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो गई थी मैं और आपको दिख रहा होगा ये लुक मेरा कैसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे तो अमेजिंग बहुत ही बढ़िया लगा। ये मेकअप जो है ना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं कि भाई आपको ये भी चाहिए वो, कम से कम 4-5 चीज़ों में मैं रेडी हो गई थी। बहुत चीज़ें नहीं चाहिए रहती मेकअप के लिए, बस आपको सही से करना आना चाहिए, पता होना चाहिए किस मेकअप से आप क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हमको सिखा रहा है। तो भाई ये मेकअप देखने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो कि मैं सोची थी काफ़ी टाइम से बताने के लिए, कि अगर मेरे चैनल पे आप न्यू सब्सक्राइबर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि भैया देखो आपका ऐसे प्यार बनेगा तो मुझे भी थोड़ी होप्स मिलती है करने के लिए, कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप लोग वॉच करते सब्सक्राइब लाइक करते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो यही आपका एक प्यार मुझे मेरे तक आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं मेकअप क्रिएट लुक अपना, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाया, थोड़े बालों को आगे से कल करके जोड़ा बना के हेयर स्प्रे सेटिंग वाला स्प्रे वाला कर लिया था बालों में ताकि ये सेट रहे और निकले ना। फिर मैंने यहाँ पे जूडियो के वाइप्स जो खरीदे थे मैंने, उससे मैंने अपने फेस को क्लीन करा, क्योंकि कोई भी मेकअप करने से पहले मैं हमेशा अपने फेस को क्लीन करती हूँ, फिर चाहे वो टिश्यू पेपर या फिर इससे वाइप से क्लीन करना पड़े तो ये ज़रूरी भी रहता है, क्योंकि आपका जो मेकअप है जितना भी डर्ट वगैरह होता है निकल जाता है, मेकअप काफ़ी क्लीन रहता है। यहाँ पर मैंने लैक्मे का फाउंडेशन आज यूज़ करा, तो आप देख सकते हैं इसकी ऐसी स्टिक होती है और इसमें कोई पंप वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा ये फाउंडेशन था, मैंने यूज़ किया था और इसमें मैंने ये जो मार्स का जो मैंने हाइलाइटर लिया था मैंने मिक्स करा इसको अपने फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाईलाइट ग्लो चाहिए था, तो मैं ऐसे डॉट्स में लगाती हूँ कोई भी फाउंडेशन वगैरह अगर लगाते हैं तो, क्योंकि वो ईजिली ब्लेंड भी होता है और पूरे सरफेस आपके फेस पर इक्वली ब्लेंड होता है और ज़्यादा प्रोडक्ट आपके लगता भी नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से अगर आप डॉटेड से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप ब्यूटी ब्लेंडर जितना अच्छा यूज़ करेंगे, जितने अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे उसकी ब्लेंडिंग उसका जो फ्लॉज है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैंने ये कलर्स सिंस का आई थिंक लिया था, तो ये 120 समथिंग कुछ का था, ये 110 का था, लेकिन सबका डिस्क्रिप्शन में होगा। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है। तो मैंने यहाँ पे जो मार्स का हाईलाइटर था मुझे थोड़ा सा और हाईलाइट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे मैंने बताया ना मैं वो क्रिएटिविटी करने पर लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइटर की तरह यूज़ करा, क्योंकि इसमें बहुत ही पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, तो मैंने अपने फेस पे तो आपको दिख भी रहा होगा कितनी ज़्यादा शाइन सी मेरे फेस पे एक ग्लो सा ऐड हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे हाइलाइटर लगाता है, एज अ हाइलाइटर भी कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का 120 समथिंग कुछ का ये मेरा आई पैलेट था जो मैंने खरीदा था आई थिंक 3-4 साल पहले, और मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्मोकी टाइप कुछ टचअप चाहिए था। फिर मैंने अपने पूरा जो मेकअप था उसको अच्छे से क्रिएट करा आई मेकअप को और अच्छे से ब्लेंडिंग करी। आप जिस चीज़ की जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिर ये जो था ना ये मैंने आपने देखा होगा मेरे मार्स के प्रोडक्ट में मैंने ग्लिटर खरीदा था आई शेडो वाला, तो मैंने आज इसे फाइनली यूज़ करा और ये देखिए ये मतलब इतना अच्छा अगर लगता है ना, अगर आप किसी भी आई शेडो के ऊपर से लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया लुक देता है, बहुत ही अच्छा ग्लिटरी लुक देता है, ऐसा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर मैंने सेकेंड में भी लगाया, मैंने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगी तो फिर वो ज़्यादा ओवर लगता है, तो लाइट प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा यूज़ करे थे। फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है, फाइनली सामने अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे आईब्रो से अपनी आईब्रो फाइन करी, पहले ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ, आपने मेरे ऑल ओवर वीडियो में देखा होगा, क्योंकि इससे मुझे ना एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि एक्चुअली मुझे कहाँ नीड है अपनी आईब्रो को ज़्यादा फिल करने की या कहाँ कम करने की। और देखो बेसिकली ना सबका अपना अपना तरीका होता है, आप मेरे तरीके से मत चलिए, क्योंकि आपको जैसा लग रहा है कि भाई मेरा ये तरीका है वैसे करिए। मुझे जहाँ पहले स्टार्टिंग में बैक से करती हूँ अगर मुझे वहाँ पर अच्छे से फीलिंग लगती है तब मैं आगे से स्टार्ट करती हूँ, तब जाके मेरी आईब्रो थोड़ी अच्छी बन जाती है, तो ये दोनों आईब्रो मेरी सेट हो गई है। यहाँ पे मैंने मार्स का काजल यूज़ करा और मैं लाइनर यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी आज, इसी काजल से मैं ऊपर वाले आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, मतलब आईलाइन ड्रॉ करूँगी, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो आईलाइनर की जगह नहीं आज मैंने काजल थोड़ा यूज़ किया, काजल भी काफ़ी अच्छा काजल था ये, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैकी था, ठीक था। और फिर मैंने ऐसे नीचे भी अपने ड्रॉ करा, मुझे ना थोड़ा सा ना स्मोकी आइज़ लुक चाहिए था तो इसलिए मैंने ना काजल यूज़ करा, क्योंकि जो काजल है थोड़ा सा मुझे स्मोकी आइज़ लुक दे रहा था। इसके बाद मैंने एक चीज़ और करी थी इसके अंदर कि मैंने एक ब्रश लिया
जो कि मेरा नॉर्मल आई ब्रश था। उसके बाद मैंने ना इस काजल को थोड़ी सी ब्लेंडिंग करी। और इससे एक चीज़ बताऊँ क्या होती है कि अगर आपका एस्टर प्रोडक्ट होता भी है तो निकल जाता है। दूसरा क्या, आपकी आंखों के नीचे ना एक अच्छी सी ब्लेंडिंग देता है और इतनी ज़्यादा डार्क नहीं लगती आंखें, और थोड़ा सा ना स्मोकी टच आपकी आंखों में आ जाती है। करके एक बार देखिएगा। फिर यहाँ पे मैंने जो है, मेरी आंखें डन हो चुकी थी फाइनली। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश यूज़ करने के लिए क्या करती हूँ, मैं कोई ब्लशर वगैरह इतना नहीं खरीदती। मेरी लिपस्टिक जो मेरी फेवरेट वन में है, मैं उसे ले लेती हूँ और इस तरीके से डॉटेड लगाती हूँ। मैंने नया तरीका सीखा था। उसके बाद मैं इसके साथ फाउंडेशन जो होता है उसे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लेंडिंग होगी तो फाउंडेशन से कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करती हूँ, और जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे प्रोडक्ट की ना, उतना अच्छा वो मर्ज होकर आपके फेस पे एक ग्लो देगा। तो ये मेरा हमेशा से एक ट्रिक है कि अच्छे से ब्लेंडिंग करो तो आपको ग्लो भी वैसे ही मिलेगा। और ये देखिए, आप फेस पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने करा नहीं था यहाँ पे फेस पाउडर वगैरह यूज़, या लूज पाउडर। और ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि डार्क हो गया, बट नहीं, डार्क नहीं हुआ था, वो थोड़ा आपको सामने कैमरे में दिख रहा है, बट सामने ये मेरा ओके था। ये फाइनली डन हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो लिप लाइनर थी, लिपस्टिक थी, आपकी जो फेवरेट है या आपका जो लगाने का तरीका है, आप वैसे लगाइए। सबका अपना तरीका है, किसी का हाथ किस तरीके से बैठा है, किसी का किस तरीके से। तो मेरा तो ये तरीका था, लिप लाइनर लगा के फिर मैंने अपनी लिपस्टिक की पहले ऊपर वाली शेप में ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद फिल करती हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी लाइनर वगैरह यूज़ नहीं करा था, आपको दिख रहा होगा। ये मैंने बिंदी लगाई थी छोटी छोटी, जो मार्केट में 5 रुपए की मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी गोल गोल भी थी और अच्छा लुक दे रही थी काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस पे, आपको लग भी रहा होगा। और बहुत से लोग लाइनर लगाते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा न्यू थोड़ा क्रिएट करने के लिए, तो मैंने इसे अप्लाई चिपका लिया, मतलब समझ सकते हो आप। तो ये दिख रहा होगा आपको कैसा लग रहा है मेरे फेस पे। और ये ऑल ओवर सारा लुक मैंने मतलब अच्छे से बिंदी वगैरह चिपका ली, सब चीज़ कर ली, तो फाइनल लुक देखिए मेरा। तो गाइस, ये मेकअप लुक तो बहुत ही इजी था और इजी वीजी क्रिएट आप कर सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं कि जो मैंने लगाया सेम आप वही लगाओ, आपके पास अगर कुछ और है तो आप उसे भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जस्ट एक एग्जांपल तो देना कि आप इस तरीके से रेडी हो सकते हैं। ठीक है, सबका देखो अपना बजट, सबकी अपनी बोल, लेकिन मैं एक चीज यहाँ ये कहना चाह रही, खुशियों में या हैप्पीनेस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिंदगी में तो वैसी बहुत चीज़ चलती रहेंगी, बट अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने लिए जिएंगे तभी दूसरे आपके इंपॉर्टेंट समझेंगे, तो ये मेन चीज़ होती है। तो चलिए, चलने की है बारी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल गाइज, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना, लाइक किए बगैर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।